सो गाइस, मिनी कूपर थंप दे रहा है भाई, थंप दे रहा है रॉयल एनफील्ड के रग रग में। अरे वाह, क्या बात है, अमेजिंग। अभी ये व्यू देखिए, डेजर्ट के पास के रोड पे घूम रहे हो, ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो गाइस, ये सामने सारा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। आई होप यू आर गाइस हैविंग ग्रेट वीकेंड। सो गाइस, टुडे वी आर राइडिंग विथ रोड्स एंड राइड ग्रुप। आज हम राइड कर रहे हैं रोड्स एंड राइड ग्रुप के साथ। राइड थोड़ी लॉन्ग है और मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैंने रास्ता देखा हुआ नहीं है। सो गाइस, फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं है कैसा है। सो जंगल सफारी जा रहे हैं हम। अभी आप वीडियो के साथ बने रहो, डेस्टिनेशन में अभी आपको नहीं बताऊंगा। सो गाइस, फर्स्ट टाइम है मेरा, सो मैंने सोचा एवेंजर ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस अगर बीच में ख़राब रास्ता है तो उस पर टैनर ठीक से नहीं चल पाएगी। सो बेटर है क्रूज़र बाइक लेके चले जाए। और ये गाइस मैंने ली है, तब से ऑलमोस्ट 4200 किलोमीटर्स मैंने चलाई है, तो इसका भी थोड़ा बैटरी चार्ज हो जाए। बहुत टाइम से मैं ये बाइक को लेके हाईवे पे नहीं निकला था, तो आज सोचा चलो एवेंजर लेके निकलते हैं। सो गाइस, ये मेंबर्स हैं रोड्स एंड राइड्स के, रॉयल एनफील्ड 350, कपल ऑफ 650s, दो तीन और 650s है, पीपल लव आरी 650s, इवन आई लाइक, मुझे भी बहुत पसंद है, प्राइम की फिटिंग आती है। हो सकता है इसको अपग्रेड करके इंटरसेप्टर 650 में भी ले लो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, इसको अपग्रेड करके मुझे इंटरसेप्टर 650 लेनी चाहिए। और गाइस, किसी ने मुझे एक बार बोला था कि आप एवेंजर का रिव्यू डालिए, एवेंजर की एक राइड डालिए, एवेंजर का एक मोटो ब्लॉग डालिए। तो गाइस, वो लोग के लिए ये मोटो ब्लॉग है, पूरा देखना एंड तक, आपको मज़ा आएगा, आई एम डैम श्योर। क्या अमेजिंग वेदर है, थोड़ा सा फॉगी है और बहुत ज़्यादा ठंड है, बट आई एम एंजॉयिंग, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत टाइम के बाद ये रोड पे मैं आया हूँ। एक्चुअली गाइस, बुलवर्ड ट्रायल रिसोर्ट और ये अपना कैरोफ जाके मैं थक चुका हूँ, मेरे आर्मी के टायर घिस गए, तो ये रोड पे आने का मन नहीं है मेरा, ये रोड पे आने का मन नहीं होता था। डोंट वरी गाइस, इस बार बुलवर्ड ट्रेन या गैलॉप नहीं जा रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ राइड है इस बार की, डेफिनेटली आप लोगों को मज़ा आएगा। सो वीडियो के साथ बनी रहिए गाइस, और मेरी रिक्वेस्ट है एंड तक देखिए, डू कॉमेंट टॉन सेक्शन बिलो इफ यू वॉन्ट आस्क एनीथिंग, जस्ट कॉमेंट बिलो।
और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, यहीं कहीं पे मेरा आईडी आ रहा होगा। वी आर ऑन बगोदरा रोड, यहाँ से कुछ 95 किलोमीटर है, बावड़ा या बगोदरा आई डोंट नो, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे यार रोड गाइस, रोड तो बहुत मस्त है, टेनार लेके आया हो तो बहुत अलग मजा, अलग टाइप की मज़ा लूटते, अलग टाइप की मज़ा आती, बहुत ही मज़ा आती अगर मैं टेनार लेके आया हो तो। ठीक है कोई बात नहीं, एवेंजर भी अपनी कम नहीं है, डजंट मैटर विच बाइक यू हैव, आफ्टर ऑल यू आर राइडर। वो बोलते हैं ना कैसी बाइक है, कौन सी बाइक है मैटर नहीं करता है, कौन चला रहा है वो मैटर करता है, इट्स अपॉन राइडर। बट एनीवेज टेरार को ये एवेंजर तो टक्कर नहीं मार सकती, और जो मुझे पता है पीछे था, गालियाँ देनी हो तो दे देना भाई, कमेंट में मत देना गालियाँ मत। 18 प्लस चैनल नहीं है, बच्चे भी देखते हैं अपनी चैनल। बट गाइस यार मज़ा आ रहा है, इतनी बुरी भी नहीं है एवेंजर, 1.25 लाख की कैटेगरी में आपको बहुत अच्छा खासा मिल जाता है इसमें। आई डोंट नो अभी कुछ 140 हो गया है ड्यू टू इमिशन नॉर्म्स, अभी BS6 कुछ 140-145 की आती है, बट इट्स अ गुड यार, इट्स अ गुड बाइक। आपको 80-100 में क्रूजिंग करना है, इट्स अ गुड बाइक। टॉप स्पीड 130-140 तक जाती है, आपको एडवाइस नहीं करूँगा कि आप टॉप स्पीड पे रेड लाइन पे ले जाओ इंजन को, और वो रिस्की भी हो जाता है। अच्छी बात ये है अभी के जो वेरिएंट जो है वो सारे ABS वाले आते हैं। गाइस क्या अमेजिंग फीलिंग आ रही है, ये फॉग देखिए गाइस कैसा दिख रहा है, खेत खलियान, हाईवे के पास अभी कई सारी ऐसी सोसाइटीज आ गई है, कई लोग प्रीफर करते हैं हाईवे के पास रहना, वो इजीली बाईपास लेके निकल सकते हैं कहीं पर भी, मतलब उनको पूरा सिटी क्रॉस करके नहीं जाना होता है। सो गाइस टॉप स्पीड जिस लोगों को देखनी है एवेंजर की देख लो, 120 है, ज़्यादा भी ज़्यादा है, पर ये 120 तक मैं ले जाता हूँ, अभी मैं स्लो डाउन कर देता हूँ, अपने को ज़्यादा नहीं ले जानी है, रेड लाइन तक खींचना मैं प्रीफर नहीं करता हूँ गाइस। सो गाइस मानसिंह भाई है अपने ट्राइम टाइगर पे, वो हमें लीड कर रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई 100 से ऊपर किसी को जाना नहीं है, 100 यानी आई मीन टू से 100 से ऊपर किसी को नहीं जाना है। बीच में ब्रेक लेते हुए मस्ती से राइड करते हुए हम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट आधे तक हम लोग आ गए हैं, और मैंने कैम इसके लिए ऑन किया कि मेरे आगे एक इंटरसेप्टर 650 जा रहा है, बहुत ही अमेजिंग कस्टम एग्जॉस्ट उसके है, मतलब क्या साउंड कर रहा है, थ्रम्प दे रहा है, थ्रम्प दे रहा है रॉयल एनफील्ड के रग रग में। अरे वाह क्या बात है, अमेजिंग। सो गाइस
अभी आई थिंक सो 20 या 25 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन। और गाइस आप ये व्यू देखिए, डेजर्ट के पास के रोड पे घूम रहे हो ऐसी फीलिंग आ रही है। देखो गाइस ये सामने सारा सो गाइस फाइनली वी आर एट ब्लैकबक लॉज। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर बता रहा है। सो ऑलमोस्ट हमारे डेस्टिनेशन पे गाइस अभी हम पहुँचने आए हैं। वी आर वेटिंग फॉर सम अदर राइडर्स, वी आर वेटिंग फॉर अदर 2-3 राइडर्स। वो लोग दूसरे रोड से पहुँच रहे हैं वहाँ पे। सो लेट्स गो। सो गाइस ये एरो है ब्लैकबक लॉज का। वेला उदार रोड्स एंड राइड्स। तो गाइस कितना अमेजिंग रोड है देखिए। रोड की दोनों साइड सूखी घास है। सो गाइस वी आर एट ब्लैकबक नेशनल पार्क वेलावदार। फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। सो ये हमारा आज का लाइनअप है सारा। सो गाइस अभी का प्लानिंग ऐसा है कि हम लोग जंगल सफारी के लिए जिप्सीज में जाएंगे। सो जिप्सी में जाते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। ये गाइस देखिए सारा जंगल एरिया है आजू बाजू में। सो अभी अंदर जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं। ये भाई अपने मानसिंह भाई गोप्रो खड़ा करके बैठ गए। और ये राज क्या कर रहा है? अपनी 1, 2, 3, 4 गाड़ियां है और सबसे पीछे हम है तो पाउडर के मजे लेने के लिए। और ये भाई सब लोग मजे ले रहे हैं सफारी के सूखे जंगल के। सर ये चल रही है कि जो अभी डियर देखा वो नर था या मादा था? तो अभी उसमें मैच्योरिटी बोल रही है मादा थी, बाकी सब बोल रहे हैं नर था। तो ये रेकॉग्नाइज कैसे किया वो तो बताओ अभी। अच्छा देखा है सर। फाइनली ब्लैक बग दिखा है अभी। सॉरी माय बैड, ब्लैकबक नहीं है नीलगाय है। बड़ा था और एक दूसरा भी कोई बड़ा आ गया ना बंदर था वो तो। सो गाइस ये है हैरियर बर्ड। आई होप आपको फ्रेम में आ रहा होगा।
टाटा हैरियर के नाम पे। जस्ट अभी मानसिक भाई से एक बात पता चली है, टाटा हैरियर के नाम पे बर्ड का नाम दिया हुआ है, बर्ड के नाम पे गाड़ी, टाइगर के नाम पे, टाइगर का नाम। मुझे लगा गाड़ी का नाम टाटा हैरियर है तो बर्ड का भी चीज कर लिया है। भाई ब्लैक बॉक्स फाइनली दिखे है, ये पूरी उनकी फैमिली है देखो, संडे मीटअप भाई, संडे उनका फैमिली मीटअप है। उसमें काका भतीजा मानसिक भाई कौन कौन है, काका भतीजा बुआ है, काका भतीजा बुआ, रिश्तेदार आए हुए सर, सारे रिश्तेदार आए हुए देखो, दावत चल रही है खाने की, अकेले में बात करवा गए दो मांगे। सो गाइस फाइनली ब्लैक बग देखने को मिले, पूरा झुंड उनका जा रहा है। सो गाइस अभी यहाँ पे खड़ी रखी है जीप और पीछे आप व्यू दे सकते हो, काफ़ी सारे फ्लेमिंगो बर्ड्स है, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। सो यहाँ पे लॉट ऑफ ब्लैक बर्ड्स अभी तक तो बहुत सारे देख लिए और फ्लेमिंगो बर्ड्स है, अच्छे दो तीन बर्ड्स हमने देखे, तो ओवरऑल इट वाज गुड एक्सपीरियंस। अभी आगे देखते हैं और क्या देखने को मिलता है। गाइस देखो सफारी करने निकले थे, जीएलए मिल गई अपने को, नहीं। सो गाइस फाइनली वी आर लिविंग, बहुत मजे लूटे यहाँ के जंगल सफारी का, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा यहाँ की सफारी का, बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा। अभी भूख लगी है, लंच लेते हैं कोई अच्छी जगह पे और फिर फटाफट भागते हैं घर पे। गाइस सामने जा रही है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर येलो कलर में, व्हाट अ अमेजिंग कार। So guys, signing off, अभी बहुत दूर नहीं है मेरा घर। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पे है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉन्टेंट रिगार्डिंग डू कॉमेंट ऑन सेक्शन बिलो, लाइक माई ब्लॉग, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो गाइस मिनी कूपर आंटी आराम से लेके जा रहा है, कूपर डी डीजल वेरिएंट है।